दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। नौणी विश्वविद्यालय को कृषि अनुसंधान परिषद से मिला बड़ा प्रोजेक्ट, 25 करोड़ की है परियोजना। ऊना के स्कूलों में आधा स्टाफ तो पहुंच गया पर नहीं आए बच्चे। अर्की और नगरोटा सूर्या के स्कूलों में आधा स्टाफ आया, कम ही पहुंचे छात्र। आवाह देवी के बाजारों में चहल पहल, कई रूटों पर बंद बसों ने बढ़ाई परेशानी। भोटा में पॉजिटिव के संपर्क में आए होमगार्ड समेत और लोगों को कोरोना। अब समाचार विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी का चयन राष्ट्रीय कृषि उच्च स्तर शिक्षा योजना में हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित इस योजना के तहत नौणी विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संस्थागत विकास परियोजना के लिए चुना गया है। इस 3 वर्षीय परियोजना का कुल परिव्यय 25 करोड़ रूपए है। इसमें परिषद का हिस्सा 20 करोड़ रूपए और राज्य का 5 करोड़ रूपए है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, क्योंकि नौणी विश्वविद्यालय इस परियोजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले कुछ चुनिंदा कृषि विश्वविद्यालयों में शामिल है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद शुरू हुए अनलॉक के चौथे चरण में हिमाचल सरकार ने सोमवार से स्कूल खोल दिए हैं। पहले दिन ऊना जिला में आधा स्टाफ स्कूल में पहुंचा, जबकि बच्चों के अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा। सरकारी आदेशों के बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन बिना बच्चों के स्कूलों में सन्नाटा पसरा रहा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों में केवल 50% स्टाफ ही मौजूद रहेगा। हालांकि स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को आने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन उन्हें भी अपने अभिभावकों से इस संबंध में लिखित अनुमति लेकर स्कूल आना होगा। हालांकि इससे पूर्व ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही थी, जो अभी भी जारी रहेगी। सर, आज स्कूल काफ़ी 6 महीने बाद स्कूल खुले हैं, तो कैसी व्यवस्था है स्कूल प्रबंधन द्वारा की हुई? स्कूल को सैनिटाइज किया है और जो भी COVID-19 का जो प्रोटोकॉल है, जिसमें जो SOP है, उसका हम पालन कर रहे हैं। स्कूल में स्टाफ जो है 50% जो है वो आया हुआ है, और बच्चे जो हैं वो तभी जो है उनको अलाउ किया गया अगर वो जो सहमति पत्र जो है वो पेरेंट्स से साइन करवा के ये हैं। क्या SOP जा रही है? SOP की जो निर्देश हमें आए हैं उसके आधार पर 50% स्टाफ को एक दिन और 50% स्टाफ को दूसरे दिन आने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर वैसे भी पहले से ही SOS की परीक्षाएँ जारी हैं, जो लगभग पिछले 1 हफ्ते से चल रही हैं, तो स्टाफ तो पहले भी काम के लिए आता रहा है। SOP के अकॉर्डिंगली बच्चों के लिए ऐसे निर्देश हैं कि एक फॉर्म जारी किया गया है विभाग के द्वारा, जिसमें पेरेंट्स की कॉन्सेंट ली जाएगी। बच्चा घर से लिखित में पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, टुडे वी ओपन द स्कूल बिल्डिंग फॉर 9th ऑनवर्ड्स क्लासेस एंड वी ऑलरेडी सेंड कंसेंट फॉर्म टू ऑल पेरेंट्स, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आवर पेरेंट्स कंसेंट एंड वेटिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से वी कौंडल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। कोविड महामारी के चलते पिछले 6 महीनों से बंद पड़े सरकारी व प्राइवेट स्कूल विभाग द्वारा तय किए गए मानदंडों के अनुसार सोमवार को खोल दिए गए। इस दौरान सोलन जिला के अर्की और कांगड़ा जिला के नगरोटा सूर्या में नियमों के अनुसार स्कूलों के शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ ने हाजिरी भरी, लेकिन छात्रों की संख्या न के बराबर ही रही। अर्की में लक्ष्य पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य वीना गुप्ता ने बताया कि विद्यालय के भवन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया, साथ ही सभी निर्देशों का अच्छे से पालन किया जा रहा है। मैं वीना गुप्ता, प्रधानाचार्य लक्ष्य पब्लिक स्कूल। कोरोना महामारी के कारण पिछले 6 महीनों से बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को आज प्रदेश सरकार ने आदेशों के अनुसार खोल दिया गया है। हालांकि आज पहले दिन विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम रही। विद्यालय भवन के पिछले
दो दिन पूरा ही सैनिटाइज कर दिया गया था। साथ ही सरकार के आदेशों के अनुसार विद्यार्थियों, अध्यापकों व विद्यालय में आने वाले अभिभावकों को मास्क पहनना व भवन में आने से पूर्व हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य कर दिया गया है। उधर नगरोटा सूर्या स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष धीमान ने बताया कि स्कूल में सोमवार को आधा स्टाफ पहुंचा, सबकी थर्मल स्कैनिंग की गई। इस दौरान सभी बच्चों ने मास्क पहने हुए थे। आज बच्चे जो है वो थोड़े फॉर्म आए हैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस हमें SOP की दी गई है उसमें पेरेंट्स की जो कंसेंट है वो जरूरी थी, तो शायद पेरेंट्स ने अपने कंसेंट ना दी हो, उसकी वजह से बच्चे, जब बच्चों को कोई जरूरी काम ना हो इसलिए वो स्कूल में उपस्थित ना हुए। लेकिन हमने तो जो हम ऊपर से दिशा निर्देश थे उसके हिसाब से स्कूल को पूरा सैनिटाइज किया हुआ है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अर्की से अजय गुप्ता के साथ नगरोटा सूर्या से रामस्वरूप शर्मा की रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन आवाह देवी के बाजारों में खूब चहल पहल रही। सोमवार को यहां कोरोना के साए के बीच लोग खरीदारी और जरूरी कामकाज के लिए निकलते दिखे। वहीं आवाह देवी बस अड्डे में पिछले दिन के मुकाबले निजी बसों की आवाजाही कम रही। इस कारण हमीरपुर व सरकाघाट जाने वाले यात्रियों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा। वहीं कुछ लोग अपनी निजी गाड़ियों से जाते दिखे, जबकि सोमवार से स्कूल खुले और अध्यापक वर्ग भी बसों का इंतजार करते हुए दिखाई दिया। वहीं लोगों की मांग है कि अब लोकल रूट्स पर निगम व निजी बस ऑपरेटर्स नियमित रूप से बस सेवा शुरू करें, ताकि उनकी दिक्कतें हल हो सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए आवाह देवी से रवि कुमार की रिपोर्ट। नगर पंचायत भोटा में पुलिस सहायता कक्ष के कर्मी के संपर्क में आए दो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद भोटा बाजार में डर का माहौल रहा। संक्रमित लोगों में एक गृह रक्षक है, जबकि दूसरा व्यक्ति निजी अस्पताल का कर्मचारी है। उधर नगर पंचायत भोटा वार्ड नंबर 5 में व्यक्ति के पॉजिटिव आने से प्रशासन ने निजी अस्पताल से लेकर लाइट हाउस तक कंटेनमेंट जोन बनाया है।